हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम 2.0 में जीएसटी को एक्टिवेट करने का आसान और सबसे सही तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और सीखते हैं कि जीएसटी को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जबकि हम कंपनी बना रहे हो उसी वक्त हमें एक्टिवेट करके और उसको अप्लाई भी करना है, तो हाउ कैन वी अप्लाई एंड एक्टिवेट द जीएसटी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रेस वी बिकॉज वी वांट टू गो इन वाउचर्स। ओके, तो यहाँ वी प्रेस कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। तो जो भी सप्लायर का आपके इनवॉइस नंबर हो, बिल नंबर हो, वो डाल दीजिए। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, परचेजिंग करना चाहते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर आए। अब सवाल यही था कि कैश लेने पे जीएसटी अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो कभी भी जीएसटी अगर आप एक्टिवेट करेंगे सही तरीके से, तो वो चाहे क्रेडिटर पार्टी लीजिए, डेटर पार्टी लीजिए, अगर आप क्रेडिटर पार्टी में ही जीएसटी अप्लाई कर देते तो वही जीएसटी आपकी डेटर पार्टी में भी अप्लाई हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपके पास सामान आता है, गुड्स आता है, तो उसकी एंट्री पहले आप करेंगे कि आपको परचेज रेट क्या पड़ा था, ठीक है, क्या आपको खरीद रेट पड़ी थी, ये चीजें आप अपने कंपनी में दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको परचेज वाउचर में जाकर के एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पर मैं कैश कर लेता हूँ और कैश करने के बाद ये डिटेल चाहे तो फिल कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पार्टी का नाम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैश के बजाय मैं कर देता हूँ मिस्टर राम, ठीक है, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। और एंटर प्रेस करके और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है अगर आप इसको अनरजिस्टर्ड ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कर दिया, अनरजिस्टर्ड कर दिया, यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगाया। अब यहाँ पर कीबोर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड के 7 आइटम हम परचेज कर रहे हैं, एक कीबोर्ड 500 रुपये का है, तो 7 आइटम की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर जीएसटी तो हमने एक्टिवेट कर दिया है और एक सी जीएसटी का लेजर भी बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सी जीएसटी। अब ये लेजर बनेगा कैसे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्रिएट, इस क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं माउस से। जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको सी जीएसटी तो मैंने बना लिया है, लेकिन एस जीएसटी बना के दिखा देता हूँ। देखिए एस जीएसटी कर दिया हमने और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में इसे डाल देंगे, ठीक है, तो ये डाल दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पे इसे कर देंगे जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीएसटी ही करिएगा क्योंकि हम जीएसटी ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अदर नहीं रखना, आपको जीएसटी ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिएगा स्टेट टैक्स। जैसे स्टेट टैक्स करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नॉर्मल राउंडिंग आपको करना है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर चाहे तो राउंडिंग लिमिट आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं 0 रखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट कराता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एसजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रही, अभी नहीं आ रहा है ये। तो ये ना आने के पीछे कारण क्या है कि हमने वहां पे अनरजिस्टर्ड कर दिया जबकि हम एसजीएसटी का लेजर बना रहे थे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ कैश कर दिया। अब जैसे ही कैश से आएंगे ना, तो यहाँ पर आपने गलती क्या की थी, और कहीं गलती नहीं की आपने, लेजर बनाने में भी गलती नहीं की, गलती कहाँ की वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आए कैश, यहाँ पर आप पार्टी का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने मिस्टर राम डाला था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आप कर सकते हैं मिस्टर राम, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस किया यहाँ पर आपने अनरजिस्टर्ड रख दिया जिसकी वजह से आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे जीएसटी आई एन नंबर आपको जो डालना है वो डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आपका जीएसटी आई एन नंबर हो वो आपको डाल देना है यहाँ पे। एंटर प्रेस करिए, यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहाँ पर आप कीबोर्ड ले लीजिए और कीबोर्ड की क्वांटिटी डाल दीजिए, एक कीबोर्ड 500 का है, तो यहाँ पर कीमत आ गई। फिर यहाँ पर अगर कोई और स्टॉक आइटम हो, लाइक एलईडी मॉनिटर है मेरे पास, तो यहाँ 5 एलईडी मॉनिटर कर देता हूँ, 18,000 का एक है, ठीक है, तो यहाँ 5 की कीमत आ गई। अब यहाँ पर हमको लगाना है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो देखिए मैं पहले एसजीएसटी ही लगा दिखा देता हूँ, देखिए एसजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है या नहीं, आ गया, ये बहुत ईजी है। और अब सीजीएसटी दिखा देता हूँ, कोई भी आप पहले लगा सकते हैं, जब सेम स्टेट का मामला होगा, राज्य सेम होगा, जिस राज्य में आपकी कंपनी है, जिस राज्य में आपकी दुकान है, जिस राज्य में आपका जो कंपनी है वो है, उसी राज्य में आप माल खरीदेंगे या बेचेंगे, इस कंडीशन में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का रूल फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको, तो आपको आईजीएसटी लगाना है, ठीक है। और यूनियन टेरेटरी के लिए आपको यूटीजीएसटी नाम का एक टैक्स लगाना होता है। तो अभी कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं, आप चाहे तो नीचे नरेशन भी डाल सकते हैं। अभी इस एंट्री को देखना होगा तो हम यहां पर आगे देख सकते हैं, ये देखिए यही हमारी एंट्री है।
अब कैश वाले में भी देखेंगे तो ये जीएसटी कैलकुलेट होकर आ रही है। जब प्रिंट करना होगा तो अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और यहाँ आई बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो आपका बिल है वो भी जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें आपको सीजीएसटी एसजीएसटी भी दिखेगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा आईजीएसटी की। अब आईजीएसटी के कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टेट अलग हो। ठीक है, आपने जो बनाया है कंपनी में, अब कंपनी को अल्टर करने के लिए आप F3 प्रेस करते हैं और F3 प्रेस करने के बाद यहां से अल्टर कंपनी पर चले जाइए और देखिए यहां पर देवरिया लिखा गया है और यहां पर स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो स्टेट अलग रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटेड कंपनी। ओके, तो यहां पर अब हमें वापस से वी प्रेस करना है और यहां पर चलिए फिर से एंट्री पास करते हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, यहां पर आए। अब यहां पर भी कैश ही करना है आपको, तो कैश करते हुए एंटर प्रेस करते हुए फिर एंटर प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाइए। स्टेट यहां पर हटा दीजिए, स्टेट कुछ भी कर दीजिए आप सिवाय उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक राजस्थान कर देता हूं। ठीक है, तो ये राजस्थान कर दिया और यहां पर आपको अनरजिस्टर्ड नहीं रखना है। जनरली स्टूडेंट्स का जीएसटी इसीलिए नहीं कैलकुलेट होता, सब कुछ वो सही करते हैं लेकिन अंत में जाके यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको रेगुलर रखना है और बाकी आपका जो जीएसटी आईएन नंबर है वो सारा नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, इनपुट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस किया हमने और यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। परचेज अकाउंट का लेजर बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर वापस से आ जाता हूं, कीबोर्ड ले लिया हमने और 50 कीबोर्ड ले लेते हैं और यहां पे कीमत रख देते हैं ₹500 और एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप एलईडी मॉनिटर भी लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। 10 LED मॉनिटर कर देता हूं मैं, 17,500, क्योंकि 10 कर दिया इसीलिए 17,500 हो गई कीमत। एंटर प्रेस किया, यहां पर आएंगे। अब यहां पर हमने आईजीएसटी का लेजर तो नहीं बनाया, डिफरेंट स्टेट की बात है। तो अब अगर यहां पे सीजीएसटी लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए सीजीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट स्टेट की बात हो गई ना, इसी वजह से सीजीएसटी नहीं आएगा। तो यहां आर्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां लिखिए आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और यहां पर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं उनको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही डालते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए और ये जीएसटी ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही है और कुछ नहीं है। वैट तो पहले लगा करता था और वैट तो लगता है यूएई में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी लगा देना है और जीएसटी लगाने के बाद यहाँ पर आपको कर देना है इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है तो हमें इंटीग्रेटेड टैक्स वाला रूल ही फॉलो करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, फिलहाल यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ, एंटर प्रेस करके। और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपका आईजीएसटी में ही सारा टैक्स जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, नरेशन क्या डालेंगे, द गुड्स हैव बीन, ये डाल दिया सकते हैं, ये डाल दिया मैंने और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब इस एंट्री को देखना होगा तो यहाँ से के प्रेस करके और एंट्री को भी देख सकते हैं कौन वाली एंट्री है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यही एंट्री है और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिए, बस काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जूम करा के आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ई आई जी एस टी इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, एकदम इजी है और टैली पर तो काम करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए आपको और भी सोल्यूशन देता रहूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप यूटी यानी कि अंडमान निकोबार जैसे यूनियन टेरेटरी में काम करते हैं तो वहां के लिए रूल्स अलग है, दिल्ली के लिए अलग है। हालांकि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, यूनियन टेरेटरी में आता है, लेकिन वहां के लिए आईजीएसटी ही आपको लगाना है। अंडमान निकोबार जैसे जगहों के लिए आपको केवल यूटी जीएसटी लगाना है। ठीक है, आई बात समझ में, ओके।